हमने ये सोचा है कि हम वक्त के साथ साथ मोटे क्यों होते चले जाते हैं, ख़ास तौर पर मैं कहूँगी शादी के बाद। और एक हालिया तहकीक में ये सामने आया है कि जोड़ों में जिस्मानी वज़न बढ़ने का इम्कान तन्हा अफराद के मुकाबले में ज़्यादा होता है, चाहे उनका तर्ज ज़िंदगी सेहतमंद ही क्यों ना हो या फिर ग़ज़ा सेहत बख्श ही क्यों ना हो। तो वज़न में इजाफे की एक बड़ी वजह मेटाबॉलिक रेट का स्लो भी होना है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वज़न घटाने में मुश्किलात पैदा करने के साथ साथ हमारा वज़न बढ़ाने का भी बाइस बनती है। तो सुस्त रवि का शिकार मेटाबॉलिज्म आपको जल्द उकताहट और थकावट का भी शिकार बना देता है, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी से भरपूर तरीके से लुत्फ अंदोज भी नहीं हो सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने बात भी करनी है कि किस तरह मेटाबॉलिक रेट को हम तेज़ कर सकते हैं, और इस हवाले से अपने मेहमान से कुछ हम टिप्स भी लेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान जवाद हैं, फोकल पर्सन सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फैमिली मेडिसिन भी हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। लाहौर में कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर, जैसे मैं भी बताई थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम मोटा होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो चाहे मर्द हो या फिर खवातीन हो, मतलब हम खा भी वही रहे होते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल भी वही होता है, लेकिन फिर हम इतना जल्दी वेट गेन क्यों कर लेते हैं, क्या वजह है इसकी? कहते हैं कि शादी के बाद ना जी, आपने कहा ना शादी के बाद मोटा हो जाता है बंदा, तो कहते हैं कि बंदे की मिडल एज जो है ना वो शादी के फौरन बाद शुरू हो जाती है। अच्छा। चाहे आपकी 23 साल की उम्र में शादी हो, चाहे आपकी 35 साल की उम्र में शादी हो, क्योंकि आप पे जिम्मेदारियाँ यकदम अगले दिन आप डबल हो जाती है ना, ससुराल की जिम्मेदारी, इसकी इनलाज उसकी, अपनी घर की जिम्मेदारी, फिर बच्चों की जिम्मेदारी, तो वो एक बड़ा फैक्टर है आपके स्ट्रेस का, एक बड़ा फैक्टर है इसमें। आई थिंक कि हमें दो चीज़ों को ज़रा अलग-अलग देखने की जरूरत है, एक है मोटापा और एक है मोटापे से मुंसलिक बीमारियाँ। ओके। हमारी माशरे में ना जी एक मोटापे को थोड़ा सा एक स्टिग्माटाइज भी कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा ख्याल में हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा ना एक स्पेक्ट्रम पे देखना चाहिए। स्पेक्ट्रम पे कुछ कमज़ोर इंसान भी होते हैं, दरमियान में सेहतमंद, और ऊपर एक मोटापे का शिकार। मोटापे का शिकार जो हैं वो बगैर बीमारियों के भी हो सकते हैं, बीमारियों के साथ, और उनमें रिस्क बढ़ जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर का रिस्क है, शुगर का रिस्क है, तो हमें उनको थोड़ा सा उस स्टिग्मा से भी हमने दूर, क्योंकि वो आइसोलेशन का भी शिकार हो जाता है। जब हमारा मीडिया या हम सब कहते हैं ओ नहीं जी मोटापा नहीं, सिक्स एब्स, गोरा रंग, हमने एक अपना सांचा जो बना लिया खूबसूरती का, वो मेरे ख्याल में उसमें हमें एक थोड़ा सा इंक्लूसिव होना चाहिए। उसमें एक मोटा बंदा भी उतना ही काबले इज़्ज़त है, उतना ही काबले एहतराम है। हाँ, उससे जो मुंसलिक बीमारियाँ उसको अलबत्ता जो हो रही उस पर हम ज़रूर बात कर लें। उस मोटापे की वजह में ख़ानदानी वजह भी हो सकती है, ख़ानदानों में जीन्स का चलना, दूसरे नंबर पे कुछ थायराइड जैसे ग्लैंड है, गले में ग्लैंड है, उसकी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती हैं, इन्वायरमेंटल हो सकती हैं, हमारी फूड की वजह से हो सकती हैं, जैसे हमारा एक फास्ट फूड का कल्चर है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। इन चीज़ों को अलबत्ता ज़रूर डिस्करेज करने की ज़रूरत है, मोटे बंदे को डिस्करेज करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। इसकी ये वजह नहीं कि मैं शायद थोड़ा खुद ओवरवेट हूँ, लेकिन मैं इसको ये कहते हैं कि वो मोटापा हमारी मुख्तलिफ बीमारियां भी तो पैदा करता है ना हमारे अंदर, उस चीज़ की हमने बात करनी है। उस वो जो फोकस है ना जी, उस पर हमें देखना है कि हमने उनको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो ये मोटापा एक जिस्मानी के अलावा समाजी मसला भी है हमारा। मैं इस हवाले से बात कर रहा था कि हमारा समाज का जो देखने का एंगल है इनको, उसको हमें थोड़ा उसको भी सेहतमंद करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। बाकी जब आपने बात की कि इनको कैसे, अब अलबत्ता बीमारियों को कैसे बेहतर किया जा सकता है इससे मुंसलिक, तो मेरा ख्याल में रोज़ाना मीडिया टॉक पे, मॉर्निंग शोज़ में मुख्तलिफ टिप्स दी जाती हैं, एक्सरसाइज टिप्स दी जाती हैं। मैं सिर्फ इसमें सिर्फ एक ये बात करूँगा कि रियासत को सेहत के ऐसे मौके भी पैदा करने चाहिए। अच्छा। अपने शहरियों के लिए कि जिसमें फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर के पास कोई जिम या पार्क नहीं है, तो हम उससे ये अनड्यू एक्सपेक्टेशन लगाएं कि नहीं भाई आप जाया करें, वॉक किया करें, एक्सरसाइज किया करें, हमें उनके लिए वो सोर्सेज भी पैदा करने चाहिए। लेकिन सर, बहुत से लोग ऐसे भी जिनके पास सोर्सेज होते भी हैं तो वो यूटिलाइज नहीं करते हैं। ठीक बात है। वो देखें, एक कदीम ईसाइत में ना सात गुना बड़े मशहूर थे। अच्छा। सेवन कार्डिनल सिंस जिन्हें बोला जाता है, और उसमें दो गुना, और उस पर एक मूवी भी बनी है ब्रैड पिट की ना, सेवन के नाम से, उसमें दो गुना है ग्लूटनी और स्लॉथ। ग्लूटनी है एक्सेसिव ईटिंग, खाते रहना, दवा दब खाते रहना, और सलात है
एक्सेसिव आपका लेजीनेस, आप पड़े हुए हैं मोबाइल पे लेटे लेके कोई काम नहीं कर रहे, ये दो जो चीज़ें हैं ये हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ये दो इन्हें गुनाहों की माँ समझा जाता है कि ये दो बुनियादी गुनाह हैं जिनसे आपका मोटापा भी, उनसे आपकी बीमारी भी, और उनसे आपका सारा एक वजूद का एक इन्हतात भी शुरू होता है। तो हमें इस इन इन बीमारियों की जो बैकग्राउंड है उस पर भी हमें थोड़ा सा उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और ये जिस्मानी के साथ जहनी भी है, जहनी सेहत जो है ना जी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। तो हमें एक तो उनसे उनके स्ट्रेस को दूर करना है, उनसे लगे स्टिग्मा को दूर करना है, और उनसे हाँ और उनकी जो बीमारियाँ हैं उनके लिए उनको कुछ मौके, उनको मोटिवेशन देना ज़रूरी है। जैसे आप मीडिया पे करते हैं उनको आप मोटिवेट भी करते हैं, उनको आप मौके भी देते हैं, उनको आप डिफरेंट टिप्स देते हैं कि अच्छा जनाब आप इस तरीके से हफ्ते में फॉर एग्ज़ाम्पल 30 मिनट्स ए डे ए वॉक आप ब्रिस्क वॉक करें, अपनी कैलरीज वगैरह का जैसे स्वीटनर्स हैं उनका इस्तेमाल कम करें। तो ये तमाम डिफरेंट चीज़ें उनकी टिप्स जो हैं ये उनके, लेकिन साथ साथ इन चीज़ों के बावजूद भी अगर वज़न कम नहीं हो रहा तो उनके लिए कुछ अंडरलाइन मेडिकल वजूहात भी हो सकती है, वो फिर डॉक्टर से मशवरा करेंगे तो वो तभी पता चलेगा, खुद से ही आपने उस चीज़ को नहीं कोप अप करना। दूसरा सर, जैसे मैं भी बात करी थी कि एक ये भी मसला है कि हम लोग बहुत कम भी खाते हैं लेकिन हमारा मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बहुत स्लो होता है जिसकी वजह से वो हजम जल्दी नहीं होता, तो ये बताइए फिर इसको हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। मेटाबॉलिक रेट का मैडम तल्लुक मौसम से भी है। अच्छा। जैसी बात है, अब सर्द आपने आगे जिक्र किया कि सर्दियां पता नहीं चल रहा कि सर्दियां हैं गर्मियां हैं। एग्जैक्टली। तो अब लेकिन सर्दियां जाएंगी तो बाहर आएगी, तो सर्दियों में आपका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, आप सब अपने कंटेन हो जाते हैं, आपका मेटाबॉलिक रेट आपकी एक्टिविटी से मुनसर है, आपका मेटाबॉलिक रेट आपकी वॉक से आपकी एक्टिविटी से, वही बात स्लॉथ वो आपका जो बेसिक वन ऑफ द बेसिक सिन है उसके अगेंस्ट आप जो एक्टिविटी करते हैं, उस स्लॉथ के अगेंस्ट आप कितनी एक्टिविटी करते हैं, अपना काम कैसे करते हैं, आप सारा दिन क्या अपनी गाड़ी पर या मोटरसाइकिल पर ही रहते हैं या आपको वॉक भी करते हैं। तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने का कुछ आपके पास है अख्तियार, और कुछ चीज़ें जैसे मैंने जिक्र किया था थायराइड ग्लैंड, अब थायराइड ग्लैंड जब ओवर एक्टिव होता है, ठीक है, जिसे हाइपर थायराइड बोलते हैं, उसमें भी आपका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई हो जाता है, उसमें हर चीज़ हाई, आपकी नब्ज़ हाई है, आपको पसीना आना, आपका वज़न कम होना, और इसी के उलट जो हाइपोथायरॉयडिज्म है अंडर एक्टिव थायराइड जिसे बोलते हैं उसमें आपका वजन बढ़ जाना, उसमें आपकी हर चीज़ स्लो हो जाती है, ठीक है, तो उस तनाजर में भी मेटाबॉलिक रेट को देखा जाता है, और वो यही है कि आप डॉक्टर से रुजू करें तभी पता चल सकता है, मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें, ये इसके साथ मुस्तनद एक ज़रूरी अमर है, क्योंकि देखिए मैं कुछ बीमारियों का इलाज मैं कर सकता हूँ, कुछ कर नहीं कर नहीं कर सकते, एग्जैक्टली आपको उसी डॉक्टर से रजू करना है जो कि इस बीमारियों के बारे में मुस्तनद है, जिसके पास उसकी क्वालिफिकेशन है, तो ये ज़रूरी है मुस्तनद डॉक्टर से, तमाम अद्वियात को बच्चों की पहुँच से दूर रखें, इसी तरह तमाम किसी मुस्तनद डॉक्टर से रजू करें। लेकिन मुझे ये बताएं रेशो, अगर मैं पूछूँ डाइट की और एक्सरसाइज की, वो कितनी ज़रूरी है और कितनी लेनी चाहिए? एक्सरसाइज तो मैडम कहते हैं 150 मिनट्स ए वीक, 30 मिनट्स ए डे, 5 डेज ए वीक, ब्रिस्क वॉक ये एटलीस्ट जो है आपकी ज़रूरी, लेकिन विद इन ऑन योर ऑन कैपेसिटी, आपने अपने आप को आपका जिस्म बताता है कि मैं कितना चल सकता हूँ, कितना उसकी कितनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। डाइट में अलबत्ता आई एम श्योर कि कोई डाइटिशियन इसमें ज़्यादा बेहतर टिप दे सकती है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, हम कोक स्टूडियो पे झूमते तो हैं लेकिन उसके साथ जो कोक का इस्तेमाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारा एक मोटापे का बायस है, तो म्यूज़िक के साथ उस पहलू को भी हमने ज़रूर देखना चाहिए कि बेवरेजेस का इस्तेमाल, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल, ये वाइट चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल, और इन सब के साथ फिर जब स्लॉथ आता है ना जी कि आप खा पी के लेट गए लेजीनेस आ गई, तो आप में वो पहले जमाने में खा पी लेते थे और खेतों में या काम पे लग गए तो अपना एक मेटाबॉलिज्म उनका ठीक रहा तो वो लग गया जिस्म को, लेकिन जब खा पी के लेट गए स्लॉथ का शिकार हो गए
तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट भी कम हुआ और आप खुद भी एक स्लो मतलब हमारी जो डाइट है वो हेल्दी डाइट नहीं है। इसको अब जनरलाइज नहीं हम कर सकते, जैसी आपकी हो सकता है हेल्दी हो मेरी ना हो।